पुलिस स्टेशन कमिश्नर ऑफिस में सुसाइड करने वाले टीआई हाकिम सिंह मामले में कपड़ा व्यापारी के सरेंडर के बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। सुसाइड के बाद से ही हुलिया बदल कर रह रहे व्यापारी ने शनिवार को सरेंडर कर दिया है। बीते डेढ़ माह में वह वैष्णो देवी और अमरनाथ की यात्रा भी कराया। पुलिस व्यापारी से टीआई के साथ हुए लेन देन को लेकर पूछताछ कर रही है। सोमवार को स्वतंत्रता दिवस पर अवकाश के चलते पूछताछ नहीं हो सकी, लेकिन मंगलवार को रिमांड खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस मंगलवार को वॉइस सैंपल लेने के लिए कोर्ट के सामने आवेदन लगा सकती है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी विशाल श्रीवास्तव ने कोर्ट में सरेंडर करने वाले व्यापारी गोविंद जायसवाल से रिकवरी की बात कही थी। अब पुलिस मंगलवार को व्यापारी का अकाउंट जिस बैंक में है वहां जाकर अकाउंट डिटेल निकालेगी। दरअसल पुलिस टीआई हाकम सिंह और गोविंद के बीच 25 लाख रुपए लेन देन को लेकर ट्रांजैक्शन की तलाश कर रही है। इस पैसे के लेन देन को लेकर हाकम सिंह की तीसरी पत्नी रेशमा और एएसआई रंजना ने पुलिस को बयान दिए थे। पुलिस टीआई हाकम सिंह पवार के मोबाइल से मिली रिकॉर्डिंग से आवाज का मिलान करने के लिए वॉइस सैंपल भी लेगी। इसके लिए सरकारी वकील मंगलवार को कोर्ट में आवेदन भी दे सकते हैं। ममता शर्मा जिला पंचायत सदस्य योजना समिति सदस्य कांग्रेस जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दंत चिकित्सक डॉक्टर वीरू वर्मा जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भुलगवा जिला पन्ना की सरपंच श्रीमती शीला दहायत, सचिव वाल्मीक राठौर एवं ग्राम पंचायत रोजगार सहायक पंकज मिश्रा की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भाटिया जिला पन्ना की सरपंच अनु वर्मा उर्फ अंजुम बानो एवं रोजगार सहायक शकील खान की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीणा एवं थाना प्रभारी सलेहा अभिषेक कुमार पांडे की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भादाकुई की ओर से समस्त क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच माया धर्मेंद्र उइके, उप सरपंच सिंह मीणा, सचिव देवी सिंह मीणा, रोजगार सहायक मुकेश मीणा, ग्राम भादाकुई पंचायत, जनपद पंचायत नसरुल्लागंज, जिला सीहोर। जनपद अयोध्या से भावी बीकापुर नगर पंचायत प्रत्याशी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य और मसौदा के मशहूर बंगाली दवाखाना के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवेश कुमार वर्मा की तरफ से सभी सम्मानित देश व प्रदेश वासियों को अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर 15 अगस्त नागपंचमी रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, ग्राम पंचायत नवस्था की तरफ से समस्त जनता जनार्दन क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नवनिर्वाचित सरपंच अनिश सिंह नवस्था। श्रीमती शांति देवी हायर सेकेंडरी स्कूल जुगसना बलदेव मथुरा प्रबंधक हरि सिंह चौधरी व मैनेजिंग डायरेक्टर दीपचंद चौधरी की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन जन्माष्टमी व 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाजी फैजान खान डायरेक्टर जीएन एजुकेशन सेंटर एवं राइसविल रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नरेश मंगल प्रबंधक मेसर्स इंडियन गैस सर्विस रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से स्वतंत्रता दिवस की प्रदेश वासियों और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती राधा द्विवेदी पत्नी किशन द्विवेदी ब्लॉक प्रमुख रसूलाबाद खंड विकास अधिकारी कमलेश कुमार रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मऊगंज कंपोजिट मदिरा दुकान ठेकेदार लाइसेंसी उपेंद्र सिंह, अरुण सिंह और प्रिंस सिंह की ओर से समस्त क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय राष्ट्रांत। हमारा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव मना रहा है। इस पावन पर्व पर पूरे विंध्य के युवाओं को, विंध्यवासियों को
नई गढ़ी जनपद के लोगों को, जिले के लोगों को और पूरे प्रदेशवासियों देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। युवाओं से खासकर अपील है कि वो नशा मुक्त हों और बेहतर भविष्य के लिए आगे आए, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को दाम मिले और हमारा युवा एक प्रगति के पथ पे और भारत के विकास में युवा का युवा अग्रणी रहे। ये हमारी युवा के युवाओं से प्रार्थना है और छोटे भाइयों को ये संदेश है कि वो नशे का परित्याग करें, शिक्षा के क्षेत्र पे काम करें, अपने छोटों का सहयोग करें, बड़ों का सम्मान करें। एक बार फिर इस अमृत महोत्सव के आज़ादी के इस महान पर्व पे सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।